हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीबीएसई का रिज़ल्ट आया था 2022 का, जिसमें कि कई बच्चों की मिस्टेक्स हैं, कईयों के मार्क्स कम हैं, किसी के ज़्यादा हैं। तो जिन भी बच्चों के मार्क्स कम हैं वो अप्लाई कर सकते हैं रीचेकिंग के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे करना है सीबीएसई सर्च। इसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, उस पर आपको सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ये सबसे पहले नंबर पर ही आपके पास आ जाएगी, इस पर करना है आपको क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर परीक्षा संगम पे क्लिक करेंगे। और यहाँ परीक्षा संगम पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और उसके बाद जाना है हमें स्कूल्स वाले सेक्शन पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्कूल डिजी लॉकर एंड पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज़ वाले पे क्लिक करना है, और उसके बाद रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन का आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा सेकेंड नंबर पे। फिर इस पे आपको क्लिक करना है, और आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको। अब इसमें ये है कि ये सारा जो भी सीक्वेंस वाइज होना है, यानी कि सबसे पहले वेरीफाई होगा, इसने नोट में डाल रखा है सीबीएसई ने कि पहले वेरीफाई होगा, उसके बाद फोटोकॉपी मिलेगी, और उसके बाद ही रिवैल्यूएशन हो सकता है। तो जिसको 10th का करना है अप्लाई, वो 10th का करे, जिसको 12th का करना है 12th का करे। मैं 12th वाले पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, अपना स्कूल नंबर डालना है, और अपना सेंटर नंबर डालना है। ये सब आपको अपने एडमिट कार्ड में मिलेगा, तो वहाँ से मैं अब अपने डाल लेता हूँ सारी डिटेल्स। और ये सभी डिटेल्स डालने के बाद अब करना है प्रोसीड। उसके बाद आपको जिस भी सब्जेक्ट की कॉपी रीचेक तो नहीं, अभी वेरीफाई होगी, तो जिस भी सब्जेक्ट की वेरीफिकेशन करवानी है आपको, यानी कि टोटल मार्क्स में कोई गड़बड़ लग रही है, तो उसके आगे आप टिक लगा देंगे, जैसे मैं बिज़नेस स्टडीज़ के आगे लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे, और उसके बाद आप अपना पिन कोड वगैरह सब डालकर, मोबाइल नंबर डालकर, और आपको लास्ट में डालनी होगी अपनी ईमेल आईडी। वही इसमें डालना जो आपकी वर्किंग में हो, क्योंकि नोटिफिकेशन उस पर भी आ सकते हैं। इसके बाद यह सारा फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है, तो वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद हमें करना है सबमिट एप्लीकेशन। इसे सबमिट करने के बाद ये आपको इस पेज पर ले जाएगा। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये एप्लीकेशन नंबर कहीं पर लिख लेना है, कहीं पर सेव कर लेना है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसी से आप बाद में चेक कर सकते हो अपने अपडेट्स। इसके बाद क्या करना है, हमें आगे प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। तो मैं अब यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पर आपको देखो वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना है जो अभी पिछले स्क्रीन पे था, और अपना रोल नंबर डाल के कर देना है प्रोसीड। यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद आपकी सारी डिटेल दिखा देगा कि आपका कितनी अमाउंट बन रही है, कितनी फीस है। यहाँ पर अपना पेमेंट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर हमारी पूरी अमाउंट डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, और फिर दोबारा हमें प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के तो यहाँ पर आपकी नेट बैंकिंग वाली एक साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी कार्ड्स वगैरह की डिटेल डालनी है, और अपनी पेमेंट को आगे प्रोसीड करना है। तो सारी डिटेल डालने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर एक कंफर्मेशन लास्ट में आएगी कि इतनी अमाउंट कितनी पेमेंट हो रही है। उसे कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपके पास OTP वाला सेक्शन आएगा, OTP डाल देना। और एक मैं आपको टिप बता दूँ कि पेमेंट करते टाइम कभी भी रिफ्रेश मत करना, चाहे कितनी भी देर लगे, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी बीच में। उसके बाद हमारे यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल आ गया, यानी कि हमने जो भी एप्लीकेशन हमारी वेरीफाइंग मार्क्स की लगाई थी वो सक्सेसफुल हो गई है। अब CBSE के वेट करेंगे। अब हमारा चेक करना है कि क्या स्टेटस रहा, क्या अपडेट है, तो उसके लिए हम दोबारा यहाँ पर आएंगे इस वाली वेबसाइट पर। और यहाँ पर अगर हमें फ़ी पेमेंट करनी है तो हम यहाँ से दोबारा फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, अगर हमने बीच में छोड़ दिया हो तो। हमें अपनी फ़ीस का स्टेटस देखना है कि पेमेंट सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, तो हम यहाँ से देख सकते हैं अपना रोल नंबर डाल के या आईडी डाल के। उसके बाद अगर हमें हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है कि क्या अपडेट्स हैं, हमारे नंबर बढ़े या ना बढ़े, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डाल के। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर कोई भी दिक्कत आए।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प हो। थैंक यू।